यकीन नहीं होता। BTS कॉन्सर्ट की बात हो तो फैंस किसी भी चीज के लिए तैयार हैं, पर अमीरजियों के पास पक्का ही ज्यादा मौके हैं। ओह नहीं, टिकट्स बिक गई। एली की और परेशानियां हैं। पो की फैन अच्छी फैन नहीं होती, यही तो प्यार है। सपने देखना अच्छी बात है और एली इसमें बेहतर है। सियो के पास स्ट्रेस को हैंडल करने के अपने ही तरीके हैं। पॉपिट यहाँ काम नहीं कर पाएगा। क्या बात है, कार्डबोर्ड ब्यूटी सारे फैंस के दिलों को जीत लेगा। नहीं नहीं नहीं, किसेस नहीं। दोस्तों से गिफ्ट मिलना हमेशा मजेदार होता है। हे, अमीर सू को भी मीठा पसंद है। आप अपने बेपरवाह दोस्त से ट्राइफल कैसे लेंगे? ये तो आसान है, स्वादिष्ट है। ओह, डेजर्ट चोर मिल गया। इस तरह के म्यूजिक से कॉम्पिटिटर्स को रोकना आसान है। ऐसे डांस करो जैसे कोई ना देख रहा हो। BTS के ट्रैक्स फैंस के लिए मैग्नेट की तरह है। कोई इस डांस को रोको। सियो अपने आइडल को एक मिनट के लिए भी नहीं भूलती। हाँ, वो बहुत प्यार करती है। एली के पास पेस्ट्री है, शायद से वो अपने कॉम्पिटिटर को डरा सकती है। खैर, आप पैसों से हिम्मत नहीं खरीद सकते। छोटा सा शो बढ़िया था, बेचारी सियो। अपने आइडल के बारे में सोचते हुए सो जाना इससे ज्यादा रोमांटिक और क्या हो सकता है। वो सपनों और असली दुनिया दोनों में साथ है। अमीर सू को भी अकेली और शांति में सोना पसंद नहीं है। सू के पास बहुत बड़ा BTS कलेक्शन है। वो अपनी पसंदीदा चीजों पर बहुत पैसे खर्च करती है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो जॉब ढूंढने की कोशिश करो। शॉप असिस्टेंट एली ने अपना काम शुरू कर दिया। उसे महंगे टिकट्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पर अगर आपके दोस्त आपके साथ है तो कोई बड़ी बात नहीं। इस तरह के स्टिकर्स के साथ नींबू पानी की बिक्री स्काई रॉकेट की तरह होगी। डिजाइनर लेमोनेड अपने सपने सच करने का बढ़िया तरीका है। उप्स, किस्मत और बॉक्स ऑफिस ने एली को फिर से निराश कर दिया। एली एक अच्छी डांसर ही नहीं, वो एक पेंटर भी है। उसके आइडल का पोर्ट्रेट बढ़िया लग रहा है। सो गुस्से में है, अब वो इस कलाकार को सबक सिखाएगी। क्या अफसोस है कि सोशल मीडिया भी इस कपल की फोटो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बुरे ग्रेड्स हमेशा मूड खराब कर देते हैं। सब टीचर ऐसी बेकार सी ट्रिक्स में नहीं फंसते, पर कोशिश करने में कोई बुराई नहीं। वाह, अमीर सियो को कॉन्सर्ट की टिकट मिली। क्या वो अपने फेवरेट BTS को लाइव देख पाएगी? ये तो सरप्राइज है। अपने आइडल को मिलना तो पोस्टपोन हो गया। स्कूल हॉल को BTS म्यूजियम में बदलना इन फैंस को इम्प्रेस करना आता है। हर किसी के पास अनलिमिटेड BTS फोटोज है। हर किसी को फोटो गैलरीज देखना पसंद नहीं है। टीचर को इस तरह की क्रिएटिविटी पसंद नहीं आई। ओह खैर, लॉकर फिर से साफ है। एक छोटी सी पर अच्छी सी याद अभी भी है। समझ आया, टीचर्स भी फैंस हो सकते हैं, लेकिन इन्हें ना ही देखो तो बेहतर है।
इस तरह की स्वीट्स के साथ सू हमेशा खुश होती है। हालांकि एली के पास भी अम्मी लड़के को जलाने के लिए कुछ है। ये चमकता हुआ राज क्या है? टाटा सैंडविच ने गरीब लड़के को BTS फैमिली का मेंबर बनाया है और फिर से पैसे ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेन देन से हो गया, सू खुश है और एली अमीर। ये टेस्टी है, आप रुक नहीं सकते। वाह, कितना ओरिजिनल टी-शर्ट डिजाइन है। लगता है कि एली भी खुश है। अब उसके पास उसके ड्रीम कॉन्सर्ट का टिकट है। या ये कहना ठीक होगा कि टिकट था? ये तो सही अदला बदली नहीं है। खैर, तुम्हें इतना भोला भी नहीं होना चाहिए। ऐसे मौकों पर असिस्टेंट दुश्मन से भी बुरे होते हैं। केन ने टिकट को नैपकिन बना दिया। आराम से। बेस्ट फ्रेंड की अवार्ड सेरेमनी शुरू हो गई है। अमीर सीओ तैयारी के साथ आई है। पोस्टर्स, मर्च और BTS के लिए बहुत सारा प्यार। एक मिनट, शर्मीली एली ने भी हार नहीं मानी। सबसे जरूरी चीज है कि स्ट्रिक्ट जज की पसंद का हो। वाह, ये तो कमाल की चीज है। और ये नहीं विनर। ये तो ठीक नहीं था। पर ऐसा होता है, आप विनर्स को जज नहीं कर सकते। सियो लखपति है पर फिर भी वो डांस नहीं कर सकती। नहीं, ये नहीं। लगता है कि एक ईमानदार असिस्टेंट की वर्कशॉप वेस्ट नहीं गई। और नतीजा क्या निकला? आड़े टेढ़े पैर और निराशा का दर्द। इसका कुछ नहीं हो सकता। एली और उसकी सहेली को नाचना आता है। ब्रेक लेने का समय है। आप हमेशा तो नहीं डांस कर सकते ना? वाह, गरीब एली पूरा साल BTS के पीछे पागल होती रही। पार्टी शुरू होती है। हे, ध्यान से, सियो को सबसे पहले केक चखने का सम्मान मिला। वो इतनी खुश नहीं लग रही। सियो को इस डिलीवरी का काफी समय से इंतजार था। पता नहीं इसमें क्या होगा। सुपर हेडफोन्स और असली BTS फैन के लिए एक बॉल। ये सारे फैंस का एक ड्रीम सेट है। एली ने भी ऐसा कुछ बनाया है। हाथ से बना हुआ ज्यादा पॉपुलर है। खैर, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। एक अच्छे दिन के लिए स्वादिष्ट नाश्ता जरूरी है। BTS पैनकेक सबसे अच्छा मॉर्निंग डिजर्ट है। पर लगता है कि सिर्फ लखपति के पास ही अच्छा टेस्ट नहीं है। गरीब फैन एली ने भी उतने ही अच्छे पैनकेक्स बनाए हैं। ये तो ठीक नहीं है। मीठे के शौकीन असिस्टेंट ने कुछ करने का सोचा। उसने अपनी रेपुटेशन खराब करके स्वीट्स खाई। आप चिल्लाकर तो सब ठीक नहीं कर सकते, इससे कुछ नहीं बदलेगा। पैनकेक का हमला उसे वापस ला सकता है। और क्या? बिल्कुल, इस पल को कैप्चर करने के लिए कुछ सेल्फीज। कुकीज शेयर करने का समय है। वो कितनी अच्छी है। जब तक सियो स्वीट्स खा रही है, गरीब एली अपनी किस्मत आजमा रही है। वो BTS का कौन सा मेंबर है? वो अपने खुद की आइडल हो सकती है। वो साथ होने के लिए ही बने हैं। खैर, अब अमीर लड़की की बारी है। वाह, वो बहुत अमीर है और बहुत अनलकी भी। कितनी बुरी बात है।
सबसे क्रिएटिव फैन के लिए लेटर? ऐसा नहीं हो सकता। अब गरीब लड़की के पास अपने आइडल का ऑटोग्राफ है। क्रिएटिव दोस्त होना अच्छी बात है। खैर, इस सफेद झूठ को भूल जाओ। बस एक सेकेंड और सियो को पता चल जाएगा कि निराशा क्या होती है। वो कुछ ज्यादा ही सो गई और अब वो BTS को अपने सपनों में ही देख सकती है।